Hello students, I am again here with the session number 9 of the chapter Is Matter Around Us Pure? This session includes question answers of the remaining chapter. जो हमारा chapter रह गया है, that is जो chapter की question answers रह गए हैं, उसके बारे में हम इस chapter में, इस session में discuss करने वाले हैं. So let's start. Your first question is, a housewife churned full cream milk with a milk churner. ठीक है? जो एक हाउस वाइफ है वो क्या करती है, मिल्क को चर्न करती है. चर्न मतलब आपने देखा होगा ना, आपकी फैमिली में जब छाछ को चलाते हैं, मिल्क को चलाते हैं बटर निकालने के लिए, उसको स्पिन करते हैं, उसको बोलते हैं चर्निंग. तो जब हाउस वाइफ चर्निंग कर रही है, व्हाट डिड शी ऑब्जर्व आफ्टर चर्निंग मिल्क, जब मिल्क को वो चर्न करेगी तो उसके बाद उसे क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी. फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये हो गया. सेकेंड ये हो गया, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क. मैंने आपको बताया था जब बटर को छाछ से निकालते हैं तो क्या होता है कि जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, और रीजन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन. मैंने बताया था ना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रल वाली फोर्स होती है, उसके बेसिस पे वो वर्क करता है, डेंसिटीज के डिफरेंस पे वर्क करता है. जो हैवियर सब्सटेंस होता है वो नीचे रह जाता है और लाइटर सब्सटेंस ऊपर आ जाता है. ठीक है, तो जब हम छाछ को स्पिन करते हैं, चर्न करते हैं, तो क्या होता है, जो बटर होता है वो ऊपर आ जाता है. तो ऑब्वियसली वो क्या ऑब्जॉर्ब करेगी, जो क्रीम है, जो बटर है वो ऊपर लेयर पे आ जाएगा. सेकेंड इज दैट व्हेन मिल्क इज चर्न, ठीक है, जब मिल्क को हमने चर्न किया, द लाइट फैट पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म क्रीम. जो लाइटर फैट पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के साथ कॉलिजन करा, उन्होंने कॉलोइड हुए और उन्होंने क्या हुआ, किसका फॉर्मेशन किया, क्रीम का, विच स्टेज ऑन द सरफेस वाइल द हैवियर पार्टिकल्स ऑफ मिल्क आर फोर्स टू कम टू बॉटम. तो वो क्या रहेंगे, वो सरफेस पे रहेंगे, जबकि जो हैवियर पार्टिकल हैं मिल्क के वो क्या होंगे, बॉटम में रह जाएंगे. वही बात मैंने आपको बताई, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जब बटर निकालते हैं तो जो बटर होता है वो ऊपर आ जाता है, जबकि जो मिल्क रहता है, जो बचा हुआ छाछ होता है, वो नीचे रह जाता है. और किस प्रोसेस में हम ये वाली बात पढ़ते थे, सेंट्रीफ्यूगेशन में. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक विल यू यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर. कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 और वाटर दैट इज H2O के मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए. अभी देखो क्या होता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और वाटर है, दोनों कैसे लिक्विड्स हैं, इमिसिबल. और इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करते थे, ऑब्वियसली मैंने बताया था ना, जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनका सेपरेशन हम सेपरेटिंग फनल का यूज करके करते हैं. क्यों, क्योंकि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में एक लेयर आ जाती है, जैसे ऑयल और वाटर के केस में आ जाती है. तो हम फनल की हेल्प से एक लेयर तक सेपरेट कर लेते हैं एक बीकर में, फिर दूसरी लेयर को सेपरेट कर लेते हैं दूसरी बीकर में. तो ये इजीली हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर का मिक्सचर है उसे हम सेपरेट आउट कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर मिसिबल विद ईच अदर. अभी लास्ट हमने क्या पढ़ा था, जो सब्सटेंस इमिसिबल थे उनके बारे में, बट यहाँ पे क्या है, हमें केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर दिया हुआ है जो मिसिबल है एक दूसरे में. मिसिबल का मतलब जो डिजॉल्व रहते हैं एक दूसरे में फुली. अब ऑब्वियसली आपने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था अबाउट डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन के भी मैंने दो टाइप बताए थे, एक तो बताया था सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा बताया था फ्रेशनर डिस्टिलेशन. जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस था उसमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी थी, जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए था कंपोनेंट्स के बीच में वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए था. जबकि फ्रेशनर डिस्टिलेशन में क्या होता था, जो डिफरेंस होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट्स में वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए था. तो क्या हुआ, यहाँ पे जो केरोसिन और पेट्रोल है उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है. तो ज़्यादा वाले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन. ठीक है, क्या यूज़ करेंगे हम केरोसिन और पेट्रोल को सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से, सिंपल डिस्टिलेशन. क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है
वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड. अभी मैंने आपको लास्ट समझाया था कि जो बटर है उसको कर्ड से निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं जो सेंट्रल फोर्स पे वर्क करता है, जो डेंसिटीज में डिफरेंस होने की वजह से वर्क करता है. सेकेंड है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से सॉल्ट निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन, क्योंकि जो सी वाटर होता है उसको इवेपोरेट कराएं तो जो वाटर है वो सराउंडिंग्स में वेपर्स बन के उड़ जाता है, जबकि जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है. और दूसरा एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि जो सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं. दिस इज़ द रीज़न क्रिस्टलाइजेशन भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. नेक्स्ट इज कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. जो सॉल्ट है उससे कैम्फर को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन. क्यों, क्योंकि जो कैम्फर है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है. जैसे ही हम उसे हीट देंगे वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं होगा, वो नीचे रह जाएगा और क्या होगा, कैम्फर ऊपर उठ जाएगा, जिसे हम एक इन्वर्टेड फनल रख के उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं. तो क्या होगा, जो कैम्फर है वो सॉल्ट से सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक होती है उससे किस टाइप के मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं. दोज विच कंटेन्स इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. एक वो सब्सटेंसेस जिनमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, कौन से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. एक तो उन्हें जिनके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो. सेकंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. और जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो सब्सटेंसेस कैसे होने चाहिए, क्रिस्टलाइन होने चाहिए नेचर में. ठीक है, तो कैसे, कौन से मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं जिनमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो और जो क्रिस्टलाइन हो नेचर में. The next question is name separation technique you will apply to separate the following. यहाँ पे कुछ हमारे पास questions हैं, उनको बताना है कि उनमें से किससे हम किस technique के through separate कर सकते हैं. जैसे first है sodium chloride from its solution in water. That is NaCl को हमें water से separate out करना है. कैसे कर सकते हैं, NaCl क्या होता है, common salt. कॉमन सॉल्ट को ही हम NaCl बोलते हैं, दैट इज़ जो हमारा सॉल्ट है. अब सॉल्ट को वाटर से, अभी यही लास्ट भी मैंने डिस्कस करा था कि सॉल्ट को वाटर से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन करके हम उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं. सेकंड है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. एक मिक्सचर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है और अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है. उसमें से हमें क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है. अब देखो जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, और सब्लिमेबल सब्सटेंस क्या होगा, सब्लिमेशन के थ्रू इजीली हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, जो सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एक इन्वर्टेड फनल के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार. जो कार का इंजन ऑयल होता है उसमें कुछ मेटल के स्मॉल पीसेस पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसे हम फिल्टर करके सेपरेट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स. जो फ्लावर पेटल्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लावर पेटल्स होते हैं उसके जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उसे कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था जहाँ पे बात कलर्स की आती है, पिगमेंट्स की आती है, वहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं. क्रोमेटोग्राफी कैसे टेक्निक होती है, जिसमें हम कलर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक पेपर का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं. मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस पूरा कराया हुआ है. नेक्स्ट आता है बटर फ्रॉम कर्ड. कर्ड से हम बटर को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन. ये मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करके हम बटर को कर्ड से सेपरेट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर. वाटर को ऑयल से कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो ऑयल है, जो वाटर है वो इमिसिबल लिक्विड है, और इमिसिबल लिक्विड को हम किससे सेपरेट करते हैं, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. ठीक है, यदि मिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, बट ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दिस इज द रीज़न हम किसका यूज़ करेंगे, सेपरेटिंग फनल का.
नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी, जो टी लीव्स हैं उन्हें टी से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो हम फिल्ट्रेशन करके डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन प्रिंट्स फ्रॉम सैंड, इसे हम मैग्नेटिक सेपरेशन से करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने ये आपको नहीं कराया। ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन वाला मेथड है, ये आपकी हायर क्लासेस में अवेलेबल है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है सबस्टेंस की। आयरन जो है मैग्नेटिक सबस्टेंस है, तो हम उसे सेपरेट करते हैं, जो एक मतलब आई मीन टू से दो व्हील्स लेते हैं, रोटेटिंग व्हील्स, उस पर एक बेल्ट लगाते हैं और वहाँ पे हम जो सबस्टेंस है उसे डालना शुरू कर देते हैं। तो जो व्हील है, जो मैग्नेटिक व्हील है, उसके साइड में जितना भी आयरन होगा वो सब कलेक्ट हो जाता है और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस और हम इससे इजीली आयरन पिंस को सैंड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, हस्क से हम व्हीट ग्रेन्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ऑब्वियसली उन्हें विनोइंग करके। विनोइंग मतलब यू नो ना, दैट इज बीनना जिसे बोलते हैं हिंदी। सो व्हीट को यदि हमें सेपरेट करना है हस्क से, तो वो हम विनोइंग के थ्रू कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टेक्निक अडॉप्टेड फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। दो मिक्सचर दिए हुए हैं मैंने, पेट्रोलियम फ्रॉम वाटर, सॉरी एसीटोन फ्रॉम वाटर एंड पेट्रोलियम, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट पेट्रोलियम इन वाटर। जब ऐसे मिक्सचर्स प्रेजेंट हो तो इनको किससे कर सकते हैं, जो एसीटोन और वाटर है उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट जो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल है, यहाँ पे सॉरी मैंने लिखना आई मीन टू से मिसपेल हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बट आप मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। जो पेट्रोलियम है और क्रूड ऑयल है उसे हम इजीली फ्रेशनर डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसीटोन और वाटर के बीच में जो डिफरेंस होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, जबकि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो उसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे और इसके लिए हम फ्रेशनर डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ एलम, कौन सा प्रोसेस है जिसे हम जो एलम होता है उसके क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। किसी भी एक इम्प्योर सैंपल से यदि हमें एलम की क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट करना है तो कौन सा मेथड यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि जहाँ पे क्रिस्टल्स की बात आती है वहाँ पे हम इजीली उसे मेथड उसे क्रिस्टलाइजेशन का यूज करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल एंड फिजिकल चेंज, तो कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, फिजिकल चेंज क्यों, क्योंकि एक बार ट्री कट जाता है उसकी ब्रांचेस अगेन ग्रो हो जाती हैं, दिस इज द रीजन उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। बट हाँ, उसे कभी कभी केमिकल चेंज बोल सकते हैं, और वो कौन सा इंस्टेंट होता है, यदि हम ट्री को रूट से कट कर दें तो वो ट्री अगेन ग्रो नहीं हो सकता, उस केस में कटिंग ऑफ ट्री केमिकल चेंज होगा, वरना नॉर्मली हम इसे फिजिकल चेंज मानते हैं। सेकेंड, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, जो पैन होता है उसमें बटर का पिघलना, बटर का मेल्ट होना, वो भी फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा पे रस्ट लगना, मैंने बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, इसीलिए क्या हो गया, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या हुआ, फिजिकल चेंज, क्योंकि बॉयल हो जाए एक बार वाटर, अगेन उसे हम कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, जब पेपर और वुड जल जाते हैं, उन्हें बर्न कर दिया जाता है, तो वो अगेन अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकते, दिस इज द रीजन वो क्या होता है, केमिकल चेंज। तो इजी है केमिकल फिजिकल चेंज को आइडेंटिफाई करना, बस हमें ये देखना है कि सबस्टेंस रिवर्स होके ओरिजिनल पोजिशन में आ सकता है या नहीं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वन इंस्टेंट वेयर वाटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज एंड वन इन विच इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। ठीक है, हमें एक इंस्टेंस बताना है ऐसा जहाँ पे जो वाटर है वो फिजिकल चेंज में भी हो, ठीक है, और एक इंस्टेंस बताना है जहाँ पे वो केमिकल चेंज में हो। तो फिजिकल चेंज वाटर कब परफॉर्म करता है, जब इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, जब वाटर का इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, जो हमारा लिक्विड स्टेट से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगेन हम स्टीम को वाटर में, दैट इज लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंडेंसेशन। तो ये हो गया फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल है। नेक्स्ट आता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जब H2O को
इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो वो H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। उस टाइम पे क्या कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया एंड केमिकल चेंज क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने जो हमारे चैप्टर था उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया। ऑल्सो जो हमारा जो चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके बारे में वी आर गोना डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर्स। टिल देन गुड लक।